हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आप सभी का मेरे चैनल ऑल स्टडी फॉर यू में। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है जो कि क्लास 10 के हिंदी में और भी सारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि ये नया प्रश्न है और बहुत अच्छी तरह से आपको ये आसान शब्दों में समझ में आएगा। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्या है कि कोरोना काल में शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था। मतलब बोल रहा है कि कोरोना मतलब लॉकडाउन जो लगा था उस पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा था, उसी के बारे में आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। क्लास टेंथ में बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि कोरोना काल में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा। मतलब क्या कोरोना काल जो था उसमें शिक्षा के क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या हुआ, यही पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो ये वीडियो को आपको बहुत अच्छी तरह से आपको लिख दिए आसान आसान भाषा में, आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपको बहुत अच्छी तरह से अगर एक बार इसको सिर्फ रिवाइज कर लेंगे तो आपको आप ये क्वेश्चन से 3 या 5 नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखे, बहुत ही मजा आने वाला और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो क्या है कि कोरोना काल में शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था, कोरोना काल में क्या लिखना, क्या है जैसे हम लिखें वैसे आपको लिखना है, थोड़ा बहुत आपको मिक्सिंग कर सकते हैं। कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के एक वैक्सीन महामारी था, मतलब वैक्सीन महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोरोना महामारी जो वो कहाँ तक फैली हुई है, पूरा विश्व में फैली हुई है, जिसमें पूरे विश्व के अपने पंजों में जकड़ लिया। मतलब क्या पूरे विश्व को जो कोरोना वायरस था उसने अपने चुंगल में नहीं बोलते हैं वो उसमें जकड़ लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस समय के कोरोना काल की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। एक बार जो कोरोना काल ख़त्म हो गया था फिर दूसरा बार आया था तो दूसरी लहर समझ रही है, मतलब सामना कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि कोरोना नामक राक्षस रूप से, मतलब कि कोरोना नामक राक्षस रूप पहले से भी भयानक, मतलब क्या बोल रहा है, कोरोना पहले तो थोड़ा सा था, ठीक है, अब जब दूसरा जो लहर आया उससे भी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ये बोल रहा है उससे भी ज़्यादा भयानक है। आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से, आपको बहुत अच्छी शब्द में याद हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि कोरोना के दूसरी लहर बहुत उससे भी भयानक है, तो इसके चलते फिर से दुकान दफ्तर विद्यालय सार्वजनिक स्थल सभी जगह पर ताला लग रहे हैं। मतलब क्या सभी जगह पर क्या लग रहा है, ताला लग रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सभी जगह पर क्या लग रहा है, ताला लग रहा है। ठीक है, ताला लग गए सभी क्षेत्र पर, इसका बुरा प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत बड़ा प्रभाव। विद्यालय जो था वो तो बंद ही था, मार्केट सब भी बंद रहता था, उस सब का दुकानदार सब का कितना नुकसान हुआ। विद्यालय में जो शिक्षक आते थे या स्टूडेंट लोग जो पढ़ते थे वो पढ़ने नहीं आते, तो कितना शिक्षा पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा, यही बोल रहा है। तो किंतु इस महामारी में शिक्षा पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, मेन पॉइंट आपका ये आता है, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो दुनिया के भर में 1.6 अरब बच्चों स्कूल और यूनिवर्सिटी मतलब क्या 1.6 अरब बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं जा सके। ठीक है, मतलब क्या जब कोरोना महामारी था तो वो कोई बच्चे लोग या हम ही सब या कोई भी घर से नहीं निकल रहे तो वो स्कूल नहीं जा पा सके। ठीक है, तो दुनिया भर में कुल छात्र 90% हिस्सा में मानव इतिहास में पहली बार वैश्विक स्तर पर बच्चों को पूरी शिक्षा बंद करना पड़ा। मतलब क्या बोल रहा है कि 90% शिक्षक, मतलब क्या बच्चे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो है कि बोल रहा है यहाँ पे कि मानव इतिहास, मतलब मानव जब इतिहास में पहली बार विश्व मतलब वैश्विक स्तर पर बच्चों को पूरी शिक्षा बंद करना पड़ा, पूरी शिक्षा बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो पूरी शिक्षा क्या पढ़ा, वैक्सीन जब लग रहा था, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो क्या करे, बड़ा बच्चे को पढ़ाई कर रहा था, ये कोरोना वायरस से बचा था, इसीलिए जो उस सबको पढ़ाई खुद स्कूल सब कॉलेज सब सभी बंद कर दिए गए थे। ठीक है, करना पड़ा था, जिसका असर हमारे अब हम आने वाले पीढ़ी पर भी लंबे समय तक रहने वाले संभावना है। मतलब क्या संभावना है, तो कोरोना महामारी के दौरान बच्चे घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं
कि कोरोना महामारी जो था वहाँ पर बच्चे घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में से उनके प्रभाव भी बहुत परिवर्तन आ गया। स्कूल में बच्चे शिक्षक शिक्षक स्टडी मटेरियल और सब पाठ्यों से सीखते थे, किंतु अब यहाँ सीखने के स्थिति अवरोध है। मतलब क्या बोल रहा है, जो बच्चे जो शिक्षक से सीखते थे वो खुद से अब पढ़ने लगे हैं, कहाँ पे, घर में, वो भी ऑनलाइन क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब केवल ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षक के आधार पर ही बच्चे को शिक्षा से जुड़ने रहने का प्रयास हो रहा है। मतलब क्या बोल रहा है, जब ऑफलाइन ट्यूशन या क्लास बंद हो गया था, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी क्लास कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास कर रहे थे लेकिन स्कूल गरीब, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रयास रहा, मतलब चल रहा था, लेकिन स्कूल में गरीब गरीब बच्चे भी पढ़ते थे, अब वह क्या होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि गरीब बच्चा जो पढ़ता था स्कूल में उसका क्या होगा, गरीब के पास तो मोबाइल नहीं होगा तब वह ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा। मतलब क्या बोल रहा है, गरीब के पास तो मोबाइल नहीं, तो अमीर का बच्चा जो था उसको मोबाइल था तो वो पढ़ाई कर, लेकिन गरीब का बच्चा जो था वो कैसे पढ़ेगा। ठीक है, उसको तो मोबाइल नहीं था लेकिन जो गरीब का बच्चा था वो कैसे पढ़ेगा, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोरोना संकट काल के नकारात्मक प्रभाव शिक्षा के लिए बहुत पड़ा था, शिक्षा पर जो है बहुत पड़ा था कोरोना काल में। ठीक है, उसी तरह जो है सरकार ने बहुत फैसला लिया था, जो कि व्हाट्सएप पे, जूम पे, टीम ऐप, मतलब कि जूम पे ऐप पे क्लास लेना शुरू कर दिए थे, और प्राइवेट क्लास से ईमेल के प्रयोग से बड़ा हो गया। मतलब क्या, कोविड 19 महामारी के कारण कोरोना वायरस के सख्त शिक्षा को जो नुकसान हुआ, जो सरकार को ऑनलाइन की सुविधा भी बच्चों को देने पड़े। मतलब क्या बोल रहा है, सरकार को भी बहुत इतना दिन के बाद भी मतलब करने पड़ा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखते, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए तो चैनल को क्या करना आपको पता ही होगा, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दे, क्योंकि ये क्लास टेंथ का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं कोरोना वायरस पे। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।